क्लियर कीजिएगा। यदि x प्लस वन वटा x का मान दिया रहे विद्यार्थी जी, यदि x प्लस वन वटा x का मान दिया रहे इतना बराबर k हो तो क्या निकलते हैं फॉर्मूले को समझने का प्रयास कीजिएगा। x प्लस वन वटा x को आप बोल सकते हैं कि यदि दो व्युत्क्रमों का योग दिया रहे, क्योंकि x और वन वटा x जो है एक दूसरे का व्युत्क्रम है। बोलिएगा कैसे, क्योंकि दोनों को गुना करने पर वन होता है विद्यार्थी जी। यदि दो राशियों को गुना करने पर वन हो अर्थात हमें समझना होगा कि दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम है। कहीं लिखा रहे कि ए बी इज इक्वल टू वन तो आप समझ जाइएगा विद्यार्थी जी कि ए और बी एक दूसरे का व्युत्क्रम है। विद्यार्थी जी ए और बी एक दूसरे का व्युत्क्रम है। देखिए ए बराबर वन वटा बी हुआ कि नहीं, ए और बी एक दूसरे का क्या है, व्युत्क्रम है। तो ध्यान दीजिएगा, व्युत्क्रम मतलब जिसे आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्स है, अर्थात दो इनवर्स का योगफल अगर दिया रहे विद्यार्थी जी तो सबसे पहला केयर कीजिएगा स्क्वायर निकालने की तरीके है। स्क्वायर निकालने की तरीके है स्क्वायर करके दो घटाइएगा, जबकि क्यू निकालने की तरीके है, क्यू निकालने की तरीके है क्यू करके उसके तीन गुना को घटाइएगा। पहली लाइन सीख लीजिए और जल्दी से जल्द कॉपी है तो नोट भी कर लीजिए। अलजेब्रा में जब पढ़ेंगे तो ये 7 दिन पढ़ना पड़ता है लगभग विद्यार्थी जी, इनवर्स पे आधारित। तो यदि x प्लस वन वटा x बराबर k हो तो स्क्वायर निकालने के लिए स्क्वायर करके दो घटाएंगे, q निकालने के लिए q करके उसके तीन गुना को घटाएंगे। क्लियर कीजिएगा, x स्क्वायर प्लस वन वटा x स्क्वायर का औसत 5 है यानी योगफल 10 होगा। तो अब रुकिएगा विद्यार्थी जी, x प्लस वन वटा x कैसे निकालिएगा। बोलिएगा सर बड़ा पावर से छोटा पावर तो आप बताए ही नहीं, बताना भी नहीं, आपको दिमाग लगानी है। देखिए कैसे दिमाग लगाते हैं, तो आप ही सोचिएगा। स्क्वायर निकालने के लिए स्क्वायर करके दो घटाए थे, स्क्वायर निकालने के लिए स्क्वायर करके दो घटाए थे, तो इधर आने के लिए पहले दो घटाए, जहां दो जोड़ देंगे और वर्गमूल, तो 10 दो 12 का वर्गमूल विद्यार्थी जी √12। फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा, स्क्वायर करने के लिए क्या किए थे विद्यार्थी जी, स्क्वायर करके दो घटाए थे, तो ध्यान दीजिएगा दो घटाए थे तो पहले दो जोड़ेंगे, घटाओ का उल्टा विद्यार्थी जी जोड़, अब वर्ग किए थे तो वर्ग का उल्टा वर्गमूल, तो दो जोड़ दीजिएगा 12 का वर्गमूल, और नहीं विश्वास है तो इसका स्क्वायर करके दो घटाइए, देखिए 10 आ रहा है कि नहीं, स्क्वायर करके दो घटाइए देखिए 10 आ रहा है कि नहीं। तो आप लोगों को रटना नहीं, आप लोगों को दिमाग का यूज करना है। तो आप लोगों ने इतना अगर सीख गया विद्यार्थी तो अब हम बोल सकते हैं यहां से जाने के लिए क्या किए थे, तो स्क्वायर करके दो जोड़ते थे, याद कीजिएगा स्क्वायर करने के लिए क्या किए थे, स्क्वायर करके दो जोड़ते थे, तो दो घटाएंगे, जोड़ का उल्टा घटाओ अब बर का उल्टा वर्गमूल, तो दो घटाएंगे 8 का वर्गमूल। अब नहीं सोच रहे तो सोचिए कि इसका ध्यान दीजिए, इतना दिया रहे तो स्क्वायर करने की तरीके क्या है, तो अभी सीखे थे स्क्वायर कर करके दो जोड़ देंगे, देखिए 10 आया कि नहीं आया। ये चीजें आप लोग को ध्यान में रखना है, रटना नहीं है। जब छोटा पावर से बड़ा पावर निकाल लिए तो बड़ा पावर से छोटा पावर उसका उल्टा करते जाना है, ये सीखना था। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा विद्यार्थी जी, ये जोगफल आ गया। आप पूछ रहा है इतना और इतना औसत क्या होगा, तो विद्यार्थी जी औसत का मतलब दोनों के जोड़ के दूसरे भाग, तो इसको हम 12 को लिख सकते हैं विद्यार्थी जी 2√3, आगे 8 को लिख सकते हैं 2√2, ये जोगफल हो गया। तो औसत निकालने के लिए दूसरे भाग अर्थात कितना हो जाएगा, √3 + √2, आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी √3 + √2, अतः आप आंसर बोल सकते हैं बी, आंसर आप लोग बी बोल सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वन वटा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वन वटा एक्स स्क्वायर का मान ए दिया हुआ है विद्यार्थी जी, औसत ए दिया हुआ है, तो जोगफल हो जाएगा 2a, तो जोड़ते हैं इन दोनों को, अगर जोड़िएगा इन दोनों को जोड़िए
ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन वटा एक्स स्क्वायर एक टर्म हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वन वटा एक्स स्क्वायर एक टर्म हो गया, इन दोनों का औसत ए फल हो जाएगा 2a, तो जुड़ने जाइएगा विद्यार्थी माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, यानी हो गया विद्यार्थी जी 2x स्क्वायर बराबर 2a, अर्थात x स्क्वायर बराबर हो जाएगा a। अब x स्क्वायर का मान a हो गया विद्यार्थी जी, x पे पावर 4 का मान कितना हो जाएगा, तब बोलिएगा a स्क्वायर हो जाएगा, तो मान वहां रख दीजिए x पे पावर 4 प्लस 1 वटा x पे पावर 4 को लिख सकते हैं विद्यार्थी जी a स्क्वायर प्लस 1 वटा a स्क्वायर प्लस 1 वटा a स्क्वायर, यानी जोगफल हो गया विद्यार्थी जी a पे पावर 4 प्लस 1 वटा a स्क्वायर, ये जोगफल हो गया। तो विद्यार्थी जी औसत निकालने के लिए क्या सीखे हैं, औसत निकालने के लिए योगफल वटा संख्या, तो 2 से भाग पड़ जाएगा, नहीं हो जाएगा a पे पावर 4 प्लस 1 वटा 2a स्क्वायर, जल्द से जल्द देखिए कहीं है क्या, a पे पावर 4 प्लस 1 वटा 2a स्क्वायर, अर्थात आपका आंसर डी। a प्लस बी बराबर दिया हुआ है 18 विद्यार्थी जी, a भी बराबर दिया हुआ है 77, तो आप लोग a और b का मान अगर आसानी से बोल सकते हैं तो बोलिए 11 और 7 में टूटेगा सर, अर्थात a का मान 11 बोल सकते हैं, b का मान 7 बोल सकते हैं, तब तो गुना करने पर 77 और जोड़ने पर 18 आ जाएगा, तो a स्क्वायर b स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मतलब हो गया 101 विद्यार्थी जी, b स्क्वायर का मतलब 49, और दोनों पे जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा, यानी 170 वटा 2 का मतलब 50 ही, आशा करते आपको समझ गया होगा। अब समस्या इसकी है कि सर ये तो टूट गया तब ना आसानी से दे दिए, नहीं टूटता तब, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इसका हम स्क्वायर करते तो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 18 का स्क्वायर 324। अब खुद देख लीजिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 2ab जाके घट जाएगा, तो हो जाएगा 324 माइनस 2ab का मतलब 154। अब जोड़ दीजिएगा विद्यार्थी जी, 4 में से 4 गया 0, 32 में से 15 गया 17, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकल गया, तो औसत निकालने का मतलब है दोनों के जोड़ के 2 से भाग, बराबर हो जाएगा 85। अब एक दो तरीके थोड़ी देखिएगा, खुद देखिएगा कितने बच्चों वाली क्वेश्चन है, 43x 53 बाई दिया हुआ है और 43x 53x दिया हुआ है, दोनों को जोड़ दीजिएगा विद्यार्थी जी, तो 43x 53x हो जाएगा 96x, दोनों को जोड़िएगा विद्यार्थी जी 96x, दोनों को जोड़िएगा 96y बराबर आ जाएगा 37 और 59 को जोड़ते हैं, 37 और 59 जोड़ देते हैं, 916 के 6 बाकी 1 8 1 9 96 आ गया, तो x प्लस y बराबर विद्यार्थी जी 1 आ गया। अब इन दोनों का औसत तो 1/2 का मतलब 0.5 होता है, कितना आसान सा क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, एक्स क्यू प्लस 1 वटा एक्स क्यू का औसत है 9, यानी जोगफल 18 हो जाएगा। अब आप ही बोलिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्यू करने के लिए क्यू करके 3 गुना को घटाए थे, तो ध्यान दीजिएगा किसका क्यू में 3 गुना घटेगा, तो सोचिएगा स्पीड में कि 3 का क्यू ही 3 × 27 में से 3 × 9 घटाएंगे 18 होगा, यानी एक्स प्लस 1 वटा एक्स का मान 18 विद्यार्थी जी 3 विद्यार्थी जी, तो औसत हो जाएगा 3 वटा 2 का मतलब 1.5, अर्थात आंसर हो जाएगा 1.5, अतः आपका आंसर भी। यदि आप घर बैठे अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से स्टडी ट्रेंड ऐप को डाउनलोड करें।